नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और एक ग्यारह। आपके साथ मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। संसद के इन दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। सांसदों के निलंबन और उसके बाद मचे सियासी घमासान के बीच दोनों सदनों में कामकाज कल ठप रहा। आज सुबह संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों ने फिर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे। देखिए अर्पिता, ऐसी तस्वीरें कल भी दिखाई दे रही थी, आज भी बदस्तूर वही धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के बाहर जारी है। सरकार का ये कहना है कि विपक्षी सांसद माफी के रास्ते से निलंबन की सजा से बच सकते थे, लेकिन विपक्षी दल अड़े हुए हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। अब शीत सत्र में निलंबन और माफी को लेकर संग्राम तेज हो गया है, कामकाज ठप होने के आसार हैं। संसद परिसर में विपक्षी नेता फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में आप मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसदों को यहां देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए। ये वो विपक्षी दल है दरअसल जो मांग कर रहा है कि निलंबन को वापस लिया जाए। इसके साथ ही कल भी इसी तरह का धरना प्रदर्शन हमने गांधी प्रतिमा के बाहर देखा था। कल भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी। राज्यसभा में हमने स्पीकर को कहते सुना था कि ये आचरण दरअसल ठीक नहीं था जिसके चलते निलंबन हुआ है, लेकिन अगर माफी मांगना चाहते हैं सांसद तो सस्पेंशन को वापस लिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष भी अड़ गया है, माफी नहीं मांगेंगे। माफी किस बात की? उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है और ऐसे में जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक था। और नेहा, कहना तो ये भी है विपक्ष का कि ये दरअसल मॉनसून सत्र में हुआ और अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत में निलंबन, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के आधार पर नहीं हुई है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है विपक्ष पार्टी और ये कह रही है कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं हम, और जनता के मुद्दे उठाने के लिए क्या माफी मांगना पड़ेगा? तो इसके लिए पूरी तरीके से अब रणनीति विपक्ष ने तैयार कर ली है। इसको अब बड़ा मुद्दा माफी तक ही आ चुका है। अब माफी मांगने को फिलहाल विपक्ष तैयार नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि आचरण ठीक नहीं था। हालांकि कल वेंकैया नायडू ने भी कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमता ही हुई है और जिस तरीके का आचरण हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि कल पीयूष गोयल ने भी बताया कि उस वक्त क्या गतिविधियां हुई थी। आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मंडल के सदस्य विराजमान है। मैं अपनी ओर से ऑब्जर्वेशंस कंटेन्ड इन 316th रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन, 349th रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑब्जर्वेशंस कंटेन्ड इन 324th रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, 350th रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑब्जर्वेशंस कंटेन्ड इन 320 इस बीच आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखिए शुरू हो चुका, लेकिन विपक्ष का मतलब है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कानून बाहर है, संविधान बाहर है, उनको वापस लेना और सस्पेंशन रिवोक करना ये हम चाहते हैं। तो इसलिए ये सभी सदस्य यहाँ पर इन सॉलिडेरिटी आप जो 12 सदस्य निलंबित हुए उनके सपोर्ट में हम बैठे। सस्पेंशन हुआ है ये सत्ता की भेजा इस्तेमाल और ये सरकार की तानाशाही को इजहार है, तो इसलिए हमें तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें दिन का खिलाफत करना ही पड़ेगा, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको साझा भी दिया जा रहे हैं वो भी इसी तरीके से, और कही जा रही कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सरकार जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो, नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है, आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप
संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। 303 है उसका नंबर, ये उस मेजोरिटी का एरोगेंस है। जब वो अपोजिशन में थे तब वो भी डिसरप्शन कर रहे थे, तब ऐसे कभी नहीं हुआ। वो भी पूरा सेशन चलाने नहीं दिया, तभी कभी भी ऐसे एक्शन नहीं हुआ। अब वो ट्रेजरी बन के सब भूल गए, कोई बात नहीं। पीपल ऑफ आवर कंट्री विल से द लास्ट वर्ड, जस्टिस एंड ट्रूथ विल से द लास्ट वर्ड। एंड जैसे 2021 पे इन बंगाल पीपल ऑफ बंगाल हैज सेड देम गुड बाय, वी होप 2024 इलेक्शन इन सेंटर द पीपल ऑफ आवर कंट्री विल से देम गुड बाय। हम हर चर्चा पे उनके साथ हैं, उनके जवाब देने को भी तैयार हैं, पार्टिसिपेट भी करने को तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है, और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप क्या हुड़दंग, हंगामा, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हुड़दंग, हंगामा, हिंसा संसद के अंदर हो, इसे एक्सेप्टेबल, वो उसे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो विपक्ष का ये कहना है कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें फिलहाल जो कार्रवाई है लोकसभा और राज्यसभा की वो चल रही है, लेकिन जो सांसद हैं निलंबित वो और विपक्षी कई बाहर गांधी प्रतिमा के पास हैं, वहां वो विरोध प्रदर्शन अलग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कार्रवाई चल रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और इसी के साथ साथ सरकार की तरफ से ये कहा गया कि माफी मांग लिया जाए जो हुआ उसको लेकर और आगे बढ़ा जाए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि वो जनता के मुद्दे उठाता रहेगा। जनता के मुद्दे उठाने पर आखिरकार माफी क्यों? इससे पहले राहुल गांधी भी उस जगह पर पहुंचे, गांधी प्रतिमा पर, उस जगह पर जहां कल भी हमने वो तस्वीरें देखी, विपक्ष धरने पर बैठे हुए थे, और वहां आज भी राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर आज भी सुबह से वो तस्वीरें हैं जो विपक्ष के वो नेता जो निलंबित हुए और उनका साथ देने के लिए अलग अलग पार्टी के भी सांसद वहां पर मौजूद थे, विरोध दर्ज कराते हुए, और ये कहा कि नियमों के खिलाफ उन पर कार्रवाई हुई है। पिछले सत्र में अगर कुछ हुआ तो वो उसी सत्र के लिए निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस सत्र के शुरुआत में निलंबन नियमों की अवहेलना हुई है। लेकिन यहां पर वेंकैया नायडू की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया कि नियम के आधार पर ही कार्रवाई हुई है, अगर आप माफी मांगते हैं तो निलंबन वापस भी हो सकता है। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए कल भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी, आज भी यथावत वही स्थिति बनी हुई है, गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, एक ओर विपक्ष अड़ा हुआ है, दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि नियमों के आधार पर, एक डेडलॉक की स्थिति है। ऐसे में संसद सुचारू रूप से चल जाए और वहां पर कुछ बिल्स पास हो जाए, इसकी ओर भी लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, सरकार यही चाहती है कि जो डेडलॉक है वो खत्म हो और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और जो महत्वपूर्ण बिल है उनको दोनों सदनों के अंदर पास कराया जाए। लेकिन विपक्ष चाहता है कि जो 12 सांसद सस्पेंड किए गए हैं उनका सस्पेंशन रिवोक हो। उनका ये कहना है कि मानसून सत्र की घटना है और यहाँ पर जो है इन 12 सांसदों को इस सत्र के अंदर आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब सरकार ये कहती है कि उन्होंने जो काम, जो भी कार्यवाही की है वो नियमों के तहत की है, लेकिन विपक्ष, सरकार ने ये ऑप्शन जरूर छोड़ा है विपक्ष के पास कि देखिए। और ये तस्वीरें राज्यसभा की जहाँ पर भारी हंगामे की शुरुआत देखिए हो चुकी है, यहाँ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे, और यही गतिरोध देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल राज्यसभा में हंगामा चल रहा है विपक्ष का, और विपक्ष का ये लगातार कहना है कि निलंबन हुआ तो सही नहीं हुआ, इस फैसले पर चुनाव विचार करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बकायदा एक और चिट्ठी लिखकर वेंकैया नायडू से अपील की कि अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करें, लेकिन कल ही वेंकैया नायडू ने स्पष्ट किया कि जो भी कार्रवाई हुई वो नियम के तहत ही हुई, लेकिन सरकार ने एक अलग रुख ये कहा कि अगर माफी मांग ली जाए जो किया। अब देखिए जो जानकारी मिल रही है, राज्यसभा फिलहाल स्थगित हुई है, ये तस्वीरें निलंबन का जोर, सदन में शोर, ये बाहर की तस्वीरें भी गांधी प्रतिमा के बाहर, विपक्ष के कई नेता लोकतंत्र बचाओ हाथ में पकड़ के प्लेकार्ड्स इस वक्त खड़े हैं, और राज्यसभा में विपक्ष का आज भी हंगामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच आपको बता दें राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर
कल भी पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज का दिन भी ऐसा ही लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं। विपक्ष उसी निलंबन को लेकर, 12 सांसदों के निलंबन को लेकर ही अड़ा हुआ है कि उनका निलंबन वापस होना चाहिए। तो राज्यसभा में जैसे कार्रवाई शुरू हुई, लगा कि हो सकता है आज का दिन उतना हंगामेदार ना रहे, पहले कार्रवाई सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही, लेकिन अचानक से विपक्ष ने नारेबाजी करनी शुरू की। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई नेहा स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल, और अर्पिता यहाँ पर हवाला दरअसल वेंकैया नायडू की ओर से उन नियमों का भी दिया गया जिसके तहत कार्रवाई की गई है। सरकार अपनी ओर से पूरी पारदर्शिता रखना चाहती है किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए राज्यसभा भेंट चढ़ गया हंगामे की, लोकसभा की भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है क्योंकि विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा है और जिस तरीके से आप भी कह रहे थे कि इस पर अब कोई भी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। देखिए बिल्कुल सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन इसका अगर संसद के अंदर बने गतिरोध को खत्म करना है सरकार को तो सहमति बनाने पड़ेगी। अब सहमति कैसे बनेगी उसके विकल्पों को सोचा जाएगा। सरकार और विपक्ष के नेताओं की एक बैकडोर मीटिंग जरूर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से कल भी बात हुई थी सरकार के मंत्रियों की, प्रहलाद जोशी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए, अगर ये 12 सांसद माफी मांग लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि माफी नहीं मांगी जाएगी, जो कुछ हुआ था उसको भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। अब देखना यह है कि किस चीज को लेकर सहमति बनेगी, क्योंकि गतिरोध अगर ऐसे ही बना रहा तो सरकार के लिए भी मुश्किल है, विपक्ष के लिए भी मुश्किल है। अब देखना यह है कि संसद के अंदर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सरकार मनाने में कामयाब हो जाएगी कि वो सदन में खड़े हों और ये कहें कि जो कुछ हुआ उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और ये हमेशा हम लोगों ने देखा है, जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो सदन के अंदर चाहे नेता विपक्ष ही खड़े होकर ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ श्री जगदम्बा पाल जी। अजय जी, मैं बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक पॉलिसी तय किया है कि पूरे देश में 70% हम इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक करेंगे और इस दिशा में काफी तेजी से है कि 22 में 6000 किलोमीटर या 6500 22 में तेज हो गए। लेकिन जो देश के नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षा जनपद हैं, जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लेकिन इसी बीच कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन राज्यसभा, आपको बता दें, हंगामे की भेंट चढ़ चुका आज का दिन दिख रहा है। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया है और ये लोकसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर हालांकि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर पीछे नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए विपक्ष के नेता नजर आएंगे। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं गांधी प्रतिमा संसद भवन परिसर में, जहां पर शीतकालीन सत्र में जो निलंबन हुआ 12 सांसदों का, इसको लेकर विपक्ष नारेबाजी करता हुआ, हंगामा करता हुआ, धरने पर बैठा हुआ, ये तस्वीरें कल भी हमने देखी और आज भी सुबह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। विपक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी हुआ उसको भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, इस पर हम माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि माफी तो मांगनी चाहिए, जिस तरीके का व्यवहार सदन के पटल पर हुआ वो किसी तरीके से शोभनीय नहीं। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक। कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन वापसी को लेकर संगठनों में मतभेद खुलकर अब सामने आ रहे हैं। किसानों का एक धड़ा आंदोलन वापसी के मूड में है और उसका कहना है कि मांगे मानी जा चुकी हैं और एमएसपी पर कमेटी भी बन रही है। उधर टिकैत आंदोलन पर डटे हुए होती रहे, आज कोई मीटिंग नहीं है, ये तो जो छोटी मीटिंग है वो चलती रहती है, स्कीम की कोई मीटिंग नहीं है, वो 4 तारीख में है, ये ग्रुप वाइज मीटिंगें चलती रहती हैं, सब क्या हो रहा कैसे हो रहा गांवों में एक तरह की अफवाहें जो चल रही है, तो इसमें कुछ अफवाहें सर, किस तरह की अफवाहें चल रही है? ये चल रही है बात मानेगी घर चलो, बात तो अभी मुकदमों का हार कौन लेके जाएगा भाई, जो 50,000 लोग जो फंसे हुए हैं वे हैं, यहाँ पे दिल्ली में मुकदमे हैं, 150 ट्रैक्टर बंद है, तो सारी चीजें जब सब चीज हो जाएगी तो ये आंदोलन जब खत्म होगा, सरकार को है कि अब बातचीत शुरू कर, अब सारी चीजें आम सहमति से बढ़ने जा रही हैं तो सब चीजों पर सरकार बातचीत शुरू कर। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।